नमस्कार, जय बद्री, जय केदार। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग चोरक पोतने के ऊपर बन रहा है, जो कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे। हमारे तमाम प्रकार के रिश्तेदार हैं। मैं बोल नहीं सकता हूँ कि कोई भाभी लगती है, कोई चाची लगती है, कोई मौसी लगती है, कोई दादी लगती है, कोई मम्मी लगती है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप सब लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर के एकता का संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोगों को आपस में मिलजुल करके एक परिवार का जो व्यक्तिगत जो काम होता है उसको आपस में मिलकर के काम करना चाहिए। जो पारंपरिक रूप से चूड़ा अर्थात खज्जा है उसको कूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हम लोग ऊपर के गांव जाने लग गए हैं, तथा देवभूमि अलग अलग गांव, नीचे घाटी के अलग अलग गांव में है, तो तमाम प्रकार की देवी देवता है। मैं अपने मलारी की मैं बात करूँ, माँ हीरामणि है, कुल देवी है, भूमियाल देवता है, माँ काली माता का मंदिर है, तमाम पांडव देवता है, भगवान देवता है, बहुत सारे देवी देवता हमारे इस घाटी में है। तो उस देवी देवता के लिए हम लोग प्रसाद के रूप में नीचे से धान की चूड़ा ले जाते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वहाँ पे चीड़ा होता है, चीड़ा का भी एक चूड़ा होता है, उसको भी इसी प्रकार से कूटा जाता है। तो दोस्तों, तो मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को संदेश दे रहा कि हम लोगों को चूड़ा, जो पारंपरिक चूड़ा है, उसको कभी हमें समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चूड़ा सिर्फ देवी देवता को ही नहीं अपितु तो हम अपने ध्यानियों को भी देते हैं, ध्यानियों को समोर के रूप में देते हैं। जो चूड़ा अगर हम इस चूड़ा को नीचे देहरादून या अन्य क्षेत्रों में दें या अन्य प्रदेशों में दें, तो लोग वहाँ पे इस चूड़ा को बहुत इंटरेस्ट या आनंद से इस चूड़ा को लेते हैं। लोग कहते हैं कि ये चूड़ा और हमें भेज दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो देख रहे होंगे, तो आज का ब्लॉग मेरे इसी के ऊपर है, आगे देखते रहिए। धरी में ये डाव मोट पत्ता कम बुझा ਬਾਟੂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਹਾਰਵਾ ਮਾ ਜਾਣਦਾ ਸੰਗੜੀ ਚੋਰੀ ਨੇ ਬਰਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਰਤ ਮੈਂ
ये आग है और इसके लिए कम से कम टेम्परेचर बहुत हाई चाहिए, जिससे जो साटी है धान है और ये एकदम ब्राउन कलर को चेंज करके सफ़ेदी कलर में आ जाए, जो इसके बाहर के छिक्कल होते हैं वो स्वयं ही छिल जाए। तो यहाँ पे ये डाडू है और डाडू के साथ जो ये फूफू जी हमारी घुमा रही हैं, इसको हम लोग क्षेत्रीय भाषा में गुज्जू कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि भीम का गद्दा भी कह सकते हैं इसे, है ना, मिनी गद्दा। तो ये यहाँ पे डाडू के ऊपर सट्टी डाल करके या धान डाल करके इसको भूजा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी फूफू जी हैं, फूफू जी भी यहाँ पे भूजने का काम कर रही हैं। फूफू जी आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? बहुत बढ़िया माना ना जी, बिल्कुल ये ध्यानियों के लिए भी बनाया जाता है, है ना? बिल्कुल, ये पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, जो यहाँ के क्षेत्रीय देवता है, केदार देवता है, या अपने हम ऊपर देवभूमि की बात करें, अलग अलग गांव में हम लोग रहते हैं, जैसे कि ये फूफू जी सेंगला में रहती है तो हम लोग मलारी रहते हैं। अब मैं मलारी की मैं बात करूँ तो हमारी जो स्त्री देवी हैं, हीरामणि माता, कुल देवी, भूमियाल देवता, ऐसे अलग अलग गांव के अलग अलग देवी देवता होते हैं, उनको सबसे पहले ये चूड़ा खजा दिया जाता है, है ना। उसके पश्चात जो हमारी ध्यानियाँ होती हैं, चाहे कोई भी ध्यानियाँ हो, वो जिस दिन हमारे घर पर आती तो हम लोग छोटा छोटा एक थैली में डाल करके समोण के रूप में देते हैं, है ना। ये देखिए, ये हमारी चाची पुष्पा हैं और इधर से हमारे फूफू हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, एकदम क्या कहते हैं उसको, क्या कह सकते हैं, मतलब ऊर्जा के साथ चूड़ा कूटने का काम कर रहे हैं फूफू जी हमारी। और यहाँ पे भाभी जी हैं, जैसे कि चूड़ा कूटना, भूजना, उसके साथ साथ ये हमारे पास एक छोटा सा बबूला का झाड़ू है जिसे कहते हैं बोनू, और ये परात है और ये चूड़ा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, ये डाडू के साथ चूड़ा यहाँ आया, ओखली में डाल दिया। और अब मैं भाभी जी से पूछना चाहता हूँ कि जो ये चूड़ा है, ये चूड़ा को किस प्रकार से बनाया जाता है, सबसे पहले क्या इसको किया जाता है जी? सबसे पहले से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आप बताइए। पहले एक गोल पानो, हाँ जी, पाँच रात में जी। अच्छा, इसको पाँच दिन तक रखना पड़ता है जी, पानी में जी, जी बुझाई काम होने को जी, तब कुटे के तब बने चूड़ा। अच्छा, तब ये इस प्रकार से चूड़ा बनते हैं जी जी जी, ओके, चलो धन्यवाद आपका भी। यहाँ पे ये हमारी छोटी सिस्टर है, अब हम आपसे पूछेंगे कि आपको कैसा लगता है सुबह, मैं इन सभी में सबसे छोटी हैं, क्या आपको सुबह उठने में कोई परेशानी तो नहीं होती है, या खाली मन ही मन में बोलते हैं यार छी छी करके, है ना? खैर बूढ़े लोग तो ऐसे परेशान नहीं होते हैं, लेकिन नया जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, कैसा लगता है आपको? अच्छा अच्छा लगता है ना, ये हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, अगर हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना ये, क्योंकि हमारे ध्यानियों के लिए, मैन ध्यानियाँ देवी देवताओं के लिए दिया जाता है जी। ये मौसी जी साथ साथ में बोलेगी भी मुझे लगता है ना, विश्वास है कि साथ साथ में बोलेगी। तो मौसी जी, हाँ, क्या लगता है आपको? बढ़िया, कि ये संस्कृति क्या हमारी आगे तक जाएगी, क्या लगता है आपको, है ना? ये संस्कृति तभी आगे जाएगी जब आप अपने बेटी बहू, सिर्फ बहू नहीं, बेटियों को भी ये संदेश देंगे, है ना? कई लोग कहते हैं कि बहू 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 भी बेटी होती है ना? तो बेटियाँ जब इस संदेश को आगे ले जाएगी, संभवतः वो वहाँ की बहू होगी, है ना? तो क्या मानते हैं आप लोग? बढ़िया मानते हैं। तो ये चूड़ा क्यों मनाया जाता है? चूड़ा जी, पहला तो वृद्धि हो जब तन के, हाँ है जी, तब पर्याप्त बोलो जी, धो दे के जी, सावन के जो जब तक धो दे के जी, रिश्तेदार इनकी जो के बढ़िया होनी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इन्होंने बोला कि क्यों क्यों, अर्थात जब कोई ध्यानी या कोई मेहमान
हमारे घर में प्रवेश करते हैं, वो लोग हमें कोई उपहार लिया आते हैं, तो अंत में जब हमारे पास कुछ समोल नहीं होता, क्योंकि हम लोग जब मलारी से आते तो राजमा रुजमा देते हैं, लेकिन लास्ट लास्ट में जब राजमा या इत्यादि सामान या समोल ख़त्म हो जाता है, तो अंत में जो लोग आते तो उनको अवश्य हम लोग चिवड़ा पैकिंग करके देते हैं समोल के रूप में, है ना जी। धन्यवाद। अब आई यहाँ पे हमारी दुर्गा भाभी जी, सॉरी नाम नहीं लिया, जय श्री कृष्णा, जय माँ हीरा मणि। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय माँ हीरा मणि। हम उठ गए सुबह के 4:30 बजे जी, और यहाँ पे चूड़ा कूटना था सासू लोगों का जी, इसलिए हम सब मिलजुल के उठ गए, फटाफट अपना काम शुरू कर दिया हमने 4:30 बजे से जी। अभी किसी ने चाय पी लिया, किसी ने नहीं पिया जी जी, और जिसका मन कर रहा है वो चाय पी रहे, जिसका मन नहीं कर रहा है वो पानी पी रहे जी। बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ हम अपना चूड़ा के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लास्ट तक रहेंगे यहाँ पे जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि सासू जी का चूड़ा अर्थात आज हमारा ही चूड़ा कोटा जा रहा है, तो हमने सर्वप्रथम आप लोगों को ब्लैक टी बनवाया, ब्लैक टी आज मैंने खुद बनाया, तो संभवतः अच्छा ही बनाया होगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जब आज से पहले शादी होती थी, लोग ध्यानियों के लिए मिठाई के साथ चूड़ा एक परंपरा थी, लेकिन अब धान या सट्टी ना मिलने के कारण अब लोग चूड़ा को धीरे धीरे समाप्त की और चले गया, और अब लोग शादी में धीरे धीरे दुकान से ला रहे हैं, दुकान से भी अब चूड़ा कम मात्रा में मिल रहा, तो धीरे धीरे लोग टॉफ़ी का भी उसमें उपयोग कर रहे हैं, किंतु ये हमारी संस्कृति धीरे 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 थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। किंतु मेरा सभी गांव समाज के बेटी, सबसे पहले बेटी, क्योंकि लोग बहू बहू कहते हैं लेकिन वो ही बेटी बहू होती हैं, बेटी बहू जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों से निवेदन है कि इस संस्कृति को आप आगे बनाए रहें, क्योंकि ये यही सबसे शुद्ध चूड़ा माना जाता है। चूड़ा हम लोग दुकान से भी लाते हैं, लेकिन न जाने कौन बनाता है, किस स्थिति में बनाता है, और उस चूड़ा को अंत में हम लोग अपने देवी देवता, चाहे पितृ हैं, चाहे वो कुल देवी हैं, चाहे भूमियाल देवता हैं, उनको चढ़ाते हैं, न जाने किस स्थिति में वो चूड़ा बनता है, लेकिन जो ये चूड़ा बनता है ये एकदम क्या कह सकते हैं, प्योर शुद्ध, जिसे हम अपने देवी देवताओं को अर्पित कर सकते हैं। तो सभी लोगों से निवेदन है या विनती है कि आप लोग इस परंपरा को, जिन लोगों ने जिस गांव ने तोड़ दिया, उन गांव वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप इसे पुनः जीवित करें। आप लोगों ने नरेंद्र सिंह नेगी जी के भी गाना सुने होंगे, मेरे चुड़ अरसा खई जा, है ना, तो बहुत अच्छा गाना ये भी है। अच्छा क्या है, कैसा क्या क्या बोला आपने, गांव गांव अर्थात इसमें बताना की कृपा करें, गांव अर्थात टिफना, है ना जी, टिफना वालों ने ये रिवाज नहीं छोड़ा है ना जी। पहले तो लोग जंगल को बड़ा बड़े आता ही कूटन था वहाँ पर ना जी, आज तो सब समय आज तो लोग सकी हुआ हुई सब सकी मनी रात। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई बड़ी पर हम दोस्तों आज हम लोग टिफना में पारंपरिक तौर तरीके से चूड़ा अर्थात खज्जा को कूटने का कार्य कर रहे हैं। ये हम लोग जो टिफना के निवासी हैं या हमारे समाज के जो लोग हैं, उन लोगों की एकता का एक संदेश है, क्योंकि हर परिवार अपने देवी देवताओं के लिए, अपने ध्यानियों के लिए चूड़ा कूटते हैं। संभव तो धीरे धीरे ये परंपरा अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है, क्योंकि मार्केट में भी बाज़ार में भी तमाम प्रकार के चूड़ा आ रहे हैं, इसलिए हम लोग, दूसरा कारण क्या कि खेती, जो लोग खेती करते हैं वो लोग खेती भी अब कम कर रहे हैं, क्योंकि धान नहीं होगा तो संभवतः चूड़ा भी नहीं होगा, और चूड़ा नहीं होगा तो हम लोग अपने देवी देवताओं को आर्टिफिशियल चूड़ा देंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ देख रहे होंगे कि अभी रात के 4 बज रहे हैं और गांव के सभी लोग, एक बार किसी को आवाज़ मार दिया तो लोग स्वतः ही स्वयं ही उठ करके यहाँ पे पारंपरिक जो हम लोगों का चूड़ा कूटने का एक रिवाज है उसके लिए उठ जाते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो हमारी यहाँ पे भाभी जी हैं, तो इनका लगभग एज आपको मैं बता दूं कि 65-70 के आसपास है, किंतु ये अपने पारंपरिक जो एक चूड़ा कूटने का रिवाज है, एकता का जो संदेश है उस
के लिए उठ गए, जबकि ये लोग लगभग 7:30 बजे आसपास उठते हैं, लेकिन आज इन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। भाभी जी आज आप लोग जल्दी उठ गए हैं, क्यों उठे आप लोग? जी जी जी, तो क्या कहेंगे आप आज की ये जो चूड़ा कुटने का एक रिवाज है, ये आप लोग संदेश दे रहे हैं दूर दूर अन्य गांवों के लिए, तो आप क्या बताएंगे आप लोग? जी चूड़ा कुटने हमारा सब गिरानी जिठानी बेटी बारे सब दगड़ दगड़ा हाँ, सब ना पहुंचे दगड़ दगड़ सब सहयोग पहुंचे नो बिल्कुल खुशी साथ है, है ना जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 7:30 बजे उठता है, लेकिन आज ये लोग 3:30-4 बजे उठ चुके हैं ना, खुशी से जी जी खुशी से जी जी। यहाँ पे हमारी फूफू जी भी हैं जिनका चौक यहाँ पे है, ये देख रहे होंगे ये अपने चौक में ही बैठे हैं, और सबसे पहले नींद ख़राब इन्हीं लोगों की होती होगी संभवतः, है ना। तो ये अच्छा लगता कि थोड़ा जल्दी उठना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, किंतु आज धीरे धीरे हम लोग तो आराम पे उठते हैं। तो फूफू जी आज हम यहाँ पे चूड़ा कूट रहे हैं ओखली में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग, क्या मानते हैं इस चूड़ा को कूटने का? भलवान है नाम है परम्परा थी जी, बेटी बारी सब उठेगा कोई बैठेगा कोई बिल्कुल उठेगा, कोई अच्छा लग रहा है जी ठीक लग रहा, कोई चाय पियाना कोई चाय बनाना बिल्कुल, कोई भूजला कोई कुटला कोई चेहरोल बेहरोला बिल्कुल साथ देना है परम्परा थी बिल्कुल सही बात है। जितना हमारी परंपरा से तेज दिन हम ये काम करते रोला जी, आज दिन परंपरा छोड़ जाओ तो तजना तजना बिल्कुल सही बात है जी जी, धन्यवाद। अगर हम के कोटे तो मां बेर बेर कास के नहीं कोटे बिल्कुल 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 हां, सिर्फ तो बना ले छोड़ सिर्फ तो आना लोग बिल्कुल बिल्कुल जी जी, धन्यवाद पुष्पा जी। हां ये हमारी पुष्पा चाची हैं जिनका मायका आपको मैं बता दूं कि जोशीमठ के ऊपर सुराई टूटा तोलमा में है। तो चाची जी आपको कैसा लग रहा है, सबसे पहले इस बारे में बता दीजिए कि कैसा लगता है आपको ये चूड़ा कूटना? संभवतः ऊपर के गांव में ये चूड़ा की परंपरा बहुत कम है जी। नमस्कार जी, और आपको पता है कि मुझे पहले चूड़ा कूटना नहीं आता था जी, तो यहाँ आके सब लोग मिलजुल कर चूड़ा कूटते थे जी, तो इसलिए धीरे धीरे करके हमने 7 साल में ये चूड़ा कूटना भी सीख गया जी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम अपने जो ये चूड़ा है जी शुद्ध रूप से वो करते हैं क्या बनाते हैं जी, और जिससे कि जो आजकल सब चीज मशीनीकरण हो गया है जी बिल्कुल, तो ये शुद्ध रूप से जो अब हमें उपयोग करने से हमारे शरीर के लिए ठीक है बिल्कुल, योगा है योगा ना? है जी, सुबह सुबह हम इसको करके वर्जिश कर सकते हैं जी, जो अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है बिल्कुल, तो हमने यहाँ आके सीखा है जी। तो इसको हमारा कर्तव्य है कि हम इसे परंपरा को इसी रूप में आगे बढ़ाएं जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। जैसा कि यहाँ पे चाची ने बताया कि हमारे गांव में ये चूड़ा की परंपरा नहीं है, क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में धान नहीं होता है, तो संभवतः जिस क्षेत्र में जो भी फसल नहीं होगी तो उसकी अपेक्षा वो जो भी खाद्य पदार्थ हैं या चूड़ा है कोई भी खाद्य पदार्थ हैं वो नहीं बनते हैं, तो संभवतः इन्होंने वहाँ पे इस प्रकार का काम नहीं किया। लेकिन शादी के बाद तो जिस काम को मायके में नहीं किया जाता तो उस काम को वहाँ पर करना पड़ता है, तो इससे पहले संभवतः ये लोग पढ़ाई कर रहे थे अलग अलग दूर दूर गांव से, दूर दूर कॉलेज होते हैं स्कूल होते हैं वहाँ थे, तो किंतु ससुराल में आकर के थेफरा में आकर के इन्होंने ये सीखा। लेकिन ये एक खुशी की बात है, इस काम को सीखना भी बहुत ज़रूरी है, ये पारंपरिक ओखली है, है ना, तो इस प्रकार से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और संभवतः ये सीखेंगे तो अपनी बेटियों को भी ये लोग सिखाएंगे, तो बेटियाँ सीखेगी तो बहू सीखेगी, तो ये परंपरा बहुत अच्छा लगता है ना। यस जी हाँ बोल जी का अर्थ होता है दादी, है ना, या नानी, भुई हम लोग उसको कहते हैं। तो नानी कह रहा कि मेरा काम
कूटने का नहीं बल्कि भूजने का है। यहाँ पे नानी जी केवल चिवड़ा को भूजती हैं क्योंकि कई प्रकार के हाथ हूथ जोड़ जोड़ दर्द होते हैं, तो इसलिए इस कारण से। अच्छा अच्छा, बाद में मेरा नंबर आएगा तो मैं कूटूंगी वाला। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, धन्यवाद। कुएं बने दीदी जय मोहन जी, बिल्कुल आपको एक जी, ये हमारी दीदी हैं मेघली देवी। कुछ दिन पहले आप लोगों ने जोशीमठ में देखा होगा कि दीदी को सम्मानित किया गया, और ये दीदी हमारी वही दीदी हैं जो गौरा देवी के सहयोगी थे। संभवतः जब चिपको आंदोलन में सहयोगी हो सकते हैं, तो गांव अपने ससुराल में जब मायके में सहयोगी थे, संभवतः ससुराल तेफड़ा में आकर के चूड़ा कूटने में भी सहयोगी बनेंगे। संभवतः आप भी 4 बजे उठे। दीदी आपको क्या लगता है इस चूड़ा कूटने के बारे में? बढ़िया लागन में चूड़ कूट रहे हैं। हाँ आर गंदी लोगों ने। हाँ क्यों बोला? चूड़ कूटने से एकता का संदेश। अच्छा, ये चूड़ा कूटना एकता का संदेश है ना, मिलजुल करके काम करना चाहिए, तभी वो काम सफल होता है ना, गांव सफल होता है, गांव विकसित होता है, गांव में एकता बनी रहती है। ओके जी, ये हमारी बड़ी भाभी जी हैं, ये भी अपने बारी को निभाने के लिए यहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि बारी बारी में नंबर आता है। अगर सारे लोग एक साथ उठ जाएंगे तो संभवतः सबकी नींद खराब होगी और नंबर तो यहाँ पे आता नहीं, इसलिए भाभी भी अपने बारी पे यहाँ पे उपस्थित हो गई हैं। तो भाभी जी आपको क्या लगता है, चूड़ा कोटा कैसा लगता है? ये अच्छी परंपरा है या इस परंपरा को समाप्त करना चाहे? जी बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहे, क्या लगता है? संभवतः यहाँ पे सबसे बड़ी बहु आप हैं, संभवतः इस क्षेत्र में या इस तेफना में सबसे बड़ी बहु आप हैं, क्या आप अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे इस परंपरा को? जी क्योंकि आप इस गांव की सबसे बड़ी बहू मुझे लगता है कि आप ही हैं, तो जो पुराने लोग थे हमारे दादी या भाभी, ये जो सब आपसे बड़े एज के जो लोग थे, उन्होंने तो इस काम को कर दिया, अब यहाँ से क्या आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे? बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। आप अपने टीम के साथ जो आपके साथ बहू लोग हैं, जी यहाँ पे हमारी मौसी भी आ गई हैं। मौसी जी आपको कैसे क्या क्या चूड़ा कूटने के बारे में क्या बताएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, तेफड़ा गांव के अंदर एक गणेश गेट आता है, गणेश विहार कहते से है ना, गणेश विहार के अंदर लगभग 17 परिवार रहते हैं, 17 परिवार में लगभग 15 लोग। अच्छा 18-19 है, अच्छा 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 18-19 परिवार रहते हैं, तो संभवतः 18-19 परिवार यहाँ पे चूड़ा कूटते हैं, तो बारी बारी से लोग चूड़ा को भिगाते हैं और लगभग 5 या 7 दिन में इस चूड़ा को कूटा जाता है। जी जी दीदी बताओ आप भी कैसा लग रहा आपको, क्या लग रहा आपको, अच्छा लग रहा? खराब लग रहा? ओहो वास्तव में ये आलसी दीदी है भाई हमारी, खराब लग रहा है, थकान हाँ खुद लग गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कल अपने मायके से आई तो संभवतः इसको अपने मायके की याद आ रही है ना, उदास लग रहा है, इसलिए कह रहे कि चूड़ा कूटना खराब लगता है। बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल ये कह रहे कि मायके में तो ये काम नहीं किया, लेकिन ससुराल में काम करना बहुत ज़रूरी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सत्य बात है, है? बिल्कुल सही बात है। लग दी रे तो भाई ऐसी बात।
मो काम कर जावा मान के कहते हुए हां काम चेंज और आ जाओ तुम वाला तुम हो जा पूछ छोड़ छोड़ के मुड़ वाली हो जा नहीं तो सुनो बोलने से अलग अच्छी ता फूल ता वो फूल आ सोनी कण को गास को बोल हम्म ने सो के जानो आज के जानो सोनी कण को गा रे त नार गास को बोल हम्म सोनू वाला भाई साहब निक 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 के पटोला ककरेगी नीति ककरेगी माना शमसिंह पटवारी कख जाना भगवती बोल ये रमणी भगवती छोत सोपो दिवस जाता मलारे अठार जातन दोस्तों ये चूड़ा कूटने के बाद ये चूड़ा बांटते हैं गजा में लोना ले 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 ये तदीप है ले 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 ये चंगल पर रखते हैं जाज के दीदे तो ताप पगन ता ढारो जो जोल दे तब हाथ हाथ पको तब खाली हाथ पको वो बोनो गन बन बस 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 हां जमाने का वो है रीति रिवाज अपने उस पर डालने का। दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो मेरे स्पेशल चूड़ा कूटने के ऊपर था। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।